अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है, हम रहता लोग कनेक्ट रियल स्टेट से। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखकर अगर आज मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूं तो मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट हमें मौका ही दे रही है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में रीथिंक करें। अच्छा, रीथिंक करने का मौका इसलिए भी अच्छा है कि अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो सस्ती बिकती है और सस्ती मिलती है, और इसी लिहाज से आपके पास एक 40% 50% मार्केट नीचे आने के बाद आपके पास ये मौका भी है कि अपने आप को अगर आपने ग्रो करना है 125 से 200, 200 से 500 पे अगर जाना है तो आज एक बेहतरीन मौका, क्योंकि आपको जो एक डिफरेंस है एक बड़े प्लॉट पे जाने का वो बहुत कम देना पड़ रहा है। तो ये तीन चीजें मैंने आपसे बात की। अब मेरा क्लाइंट है, उसके बाद 5 साल से एक दुकानें रखी हुई है, वो बेचता है ना किराए पे देता है, तो वो 7 ही आज उसको तंग कर रहा है। इसलिए आज वो ये सोचने में मजबूर है कि या तो मैं किराए पे दे दूं या बेच दूं, यानी कि मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कुछ सोचूं। 5 साल से जाया कर दिए, जो 25,000 स्क्वायर फीट प्लॉट वो दुकानें ली थी आज भी वही रेट है, लेकिन क्या कि वो अब वो उन जमीन का या वो उस पैसों को रोटेट करेगा जब मार्केट में, तो सबका फायदा होगा। इसी तरह से एक और क्लाइंट है, उसने 10 साल से फेज 8 में साहिल में 300 गज का प्लॉट लेके रख के बोला हुआ था, उसको बेनिफिट मिला, लेकिन आज वो सेक्शन 7 उसको तंग कर रहा है, जिसको हर साल देना है, उसने उसको सोचते हुए अब वो बेच दिया और मेहमान में मकान बनाने जा रहा है अपने दोस्त के साथ, तो फिर दोबारा से वो पैसा रोटेट होना शुरू हुआ। इसी लिहाज से आप सोचिए अपने बारे में। अब रेट कम है, अब एक पार्टी से मेरी बात हुई, वो ये कहता है कि मेरे पास भेटों कराची है, मुख्तलिफ जगहों में प्लॉट रखे हुए, बस मुझे मिलते रहे, मैं लेता रहा। तो मैंने कहा आपने लिए क्यों? भाई इन द एंड मैंने अपना मकान बनाना है। ओके, गॉट द पॉइंट। किधर बनाना है? फोकस था भेटों कराची बनाना है, वेरी गुड। अब बनाना है, कब बनाना है, इस पे वो कंफ्यूज है, जो कंफ्यूजन नहीं बनती। आप अपने गोल सेट करें और फिर उसके ऊपर फोकस्ड हो। प्लीज, आपने प्लॉट इकट्ठे किए हुए, जैसे उसने डीएचटी काची का प्लॉट भी लिया है, भैरव काची का भी लिया हुआ, अब वो प्रिसन 8 में मकान बना सकता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, अपना किराया भी जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो बाहर के मुल्क से काम कर रहा होता है, वो भैरव काची में बैठ के भी काम कर सकता है। 1-2 साल में मकान बनाएगा, बनाने शुरू कर देगा, हो सकता है उसे को अच्छा स्ट्रक्चर भी मिल जाए। आज अली ब्लॉक में लोग फ्लैटों जो में जो रह रहे थे फ्लैट्स में, वो वहां से छोड़कर अली ब्लॉक में रहने के लिए आ रहे हैं। हमने हमारे ऑफिस से 2 अभी मकान किराए पर चढ़े हैं अली ब्लॉक के, वो दोनों ही वो फैमिलीज आई हैं जो फ्लैट से यहां आई हैं। बताने का मकसद ये कि आज आपके पास डीएचटी कराची में, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डीएचटी कराची में अगर आपका सेक्टर 15 सेक्टर 16 में कोशिश है पीछे की तरफ, तो आप 10% देके आगे आ जाते हैं, 67-68 का बिकेगा प्लॉट और फिर आपको 77 लाख में मिल भी जाएगा। मैक्सिमम 8-10 लाख रुपए खर्च होंगे और आप आगे की तरफ आ जाएंगे, 15-16 से 10C 10D, जहां से आपका मल्ली एटमोस्फेयर का रास्ता आना है वहां आप आ जाएंगे। तो अपने आप को आगे लेकर आओ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीशेड्यूल करो, रीथिंक करो कि क्या चीज मैंने बेहतर ली हुई है। जैसे एक पार्टी है, वो कह रही है यार मैंने 26A का कोई स्कूल फिशिंग प्लॉट ले लिया था, सस्ता मिल रहा था, तो वो आज वो उसको बेचेगा, सस्ता बिकेगा तो वो सस्ता उसको मिल भी जाएगा। इसी तरह से अगर आज आप कोई चीज इधर से उधर लेके जाना चाह रहे हैं, यानी कि आप डीएचटी कराची में आप खुश नहीं है मिसाल के तौर पे, और आपको रिहाइश के लिए कोई प्लॉट चाहिए, और वो मैं प्रेफर भी करता हूं, बेडरूम बहुत अच्छा है, तो आज आप वहां सस्ता बेचेंगे, सस्ता खरीद भी लेंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग खुश भी नहीं होंगे भेड़ों का चीज़ है कि नहीं यार, हर वक्त कोई ना कोई पंचायत लगी रहती है यार, हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह सिटी है, वहां से निकालो सिटी में डाल दो। वो इसलिए कि आज आप रीथिंक कर सकते हैं कि हम किसी जगह बेहतर जा सकें, लेकिन आपने अगर कुछ अच्छी ली भी ऑलरेडी, यानी कि जैसे किसी ने 27 से लिया हुआ है, अब मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करूंगा 27 से बेच के कुछ सेक्टर 10C में 10D में को प्लॉट ले ले। वहां का नगीना आइटम आपने लिया हुआ है, 50 नगीना आइटम लिया हुआ है, अली ब्लॉक नगीना आइटम लिया हुआ है, मैं नहीं कहूंगा कि वहां से बेच के यहां पे आओ, नहीं, सोच समझ के रीथिंक करें कि मुझे क्या लेना है और जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत कम है। आज आपको सोचने का भरपूर मौका मिलेगा, बेचने के बाद आपके पास भरपूर टाइम होगा खरीदने के लिए, और आगे चलते हुए 2-3 महीने 4 महीने में मुझे कोई बेहतरी नहीं दिख रही कि आप ये बोल दें कि वकार भाई मेरा 5-10% रेट बढ़ जाएगा। ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। जो आपको ये ख्वाब दिखा रहे हैं और आपको पैसों की जरूरत है
और आप इस ख्वाब में आ रहे हैं कि 2-3 महीने में रेट बेहतर हो जाएंगे, तो फिलहाल आप उन ख्वाबों में फिलहाल मजीद फिलहाल मत पड़िए। पैसों की जरूरत है बेचो, बच्चों की शादियों की जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत है। कई मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे प्लॉट बेचे और बाहर पैसा ले लिया, 2-4 महीने के होल्ड पे कुछ नहीं रखा भाई, मजीद रेट नीचे ही आते जा रहे, चाहे वो बेड ऑफ कराची हो चाहे वो DHC सिटी कराची हो। जजाकल्ला खैर।